ट्रेन में पहचान और काम का झांसा देकर तीन लोगों ने एक विवाहित महिला से सामूहिक बलात्कार किया। काम की तलाश में मुंबई आए एक महिला की ट्रेन में एक अजनबी से मुलाकात उसे काफी महंगी पड़ी। काम का वादा कर तीन लोगों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में नाला सुपारा की अचोले पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 30 वर्ष पीड़िता उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है। कुछ दिन पहले उसका अपने पति से झगड़ा हुआ था, इसलिए वह घर छोड़कर नौकरी की तलाश में पुणे आ गई। ट्रेन में उसकी मुलाकात नरेंद्र मौर्य नामक एक शख्स से हुई। मौर्य ने पीड़िता का भरोसा जीता और उसे मुंबई में नौकरी दिलाने का वादा किया। वहीं पीड़िता को पुणे में काम नहीं मिला तो वह 2 सितंबर को नाला सुपारा में नरेंद्र मौर्य के पास चली आई, जहां मौर्य ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसने उसे समझाया और रात में रुकने के लिए थानुबाग में अपने दोस्त के पास भेज दिया, जहां 3 सितंबर को वहां पंचराज सिंह और प्रकाश सिंह नामक 2 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। आखिरकार वह चोले पुलिस स्टेशन गई और इस बारे में पुलिस से अपने साथ घटी घटना के बारे में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर अचोले पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालाजी पवार ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर नरेंद्र मौर्य, पंचराज सिंह और प्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पेश है नाला सुपारा की यह एक रिपोर्ट। अचोले पुलिस स्टेशन में 8/9/2024 को एक पीड़ित महिला की शिकायत आई थी। रात को ज्योतिष उम्र की है, वो यूपी की रहने वाली थी, तो उसने आके 3 लोगों ने 2 जगह पे उससे शारीरिक संबंध प्रस्तावित किए, ऐसा उन्होंने FIR दी। हमने FIR दर्ज की, तीनों आरोपी को रातों रात 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट किया, उनकी पुलिस कस्टडी लिए हुए 5 दिन के और इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये महिला कहाँ से कहाँ जा रही थी, कहाँ पहचान कैसे? ये पीड़ित महिला ये उसके पति से झगड़ा होने की वजह से यूपी से प्रयागराज से पुणे जा रही थी काम ढूंढने के लिए। रास्ते में आरोपी नंबर 1 है, उनसे उनकी पहचान हो गई थी। वो पुणे में आपको काम लगता होगा, बम्बई में तो मुझे बोलो, वो वसई अचोले के रहने वाला था, वसई का। तो बाद में काम ढूंढने के लिए उन्होंने उसके तरफ आ गई थी, ऐसी उनकी पहचान थी।